पार्टी में, बारबेक्यू में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने। ये लोकेशन है दिल्ली में सीपी, सीपी के बारबेक्यू में हम आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आपको एम्बियंस दिखाऊंगी। ये यहाँ का एम्बियंस है, खाना बड़ा कूल सा। सो ये हमारा टेबल है, यहाँ पे वेज एंड नॉन वेज दोनों का रहता है, तो सारा कवर करेंगे और मज़ा आएगा बहुत। ये वेज वाली प्लेट ना ग्रीन, इसकी बाउंड्री होती है, तो ये वेज वाले लोगों को मिलती है, तो ये मुझे मिली है, और ये नॉन वेज वाले लोगों को मिलती है, ठीक है ना, सिंपल नॉर्मल प्लेट। तो ये हमारी टेबल है, बीच में ये, तो ये दो लोगों के सामने ना बीच में ग्रिलर रखा जाता है, ताकि जो भी वो सर्व करे वो यहाँ से गरम गरम उठाओ और साथ साथ खाते रहो। तो ये हमारा टेबल है। सो वेज वाले लोगों को अलग और नॉन वेज वाले लोगों को अलग मिलता है यहाँ पे, तो हम अलग अलग खाना खाएंगे आज। ये है हमारा कैंडल लाइट डिनर। ये हमारा फर्स्ट स्नैक आ गया है, पनीर मशरूम एंड पाइनएप्पल, एंड ये कुक्कड़ भी आ गया है जो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे, कटर कटर खाएंगे अब हम इसे। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड स्नैक आते हैं, और अब देखना स्नैक्स ही आते रहेंगे बस, और हम बस खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे। तो अभी हमारा ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी था जो कि खाया नहीं जा रहा, तो अब ये मिक्स करके लेके आए हैं भैया, और इनका कहना है कि वेरी गुड नहीं, हम एक्सीलेंट सर्विस आउटस्टैंडिंग सर्विस इंजॉय करके जाएं। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, मस्त। कुकड़ अच्छा है? दुनिया मैडम के साथ उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है पहली बार दिल्ली में। कुकड़ अच्छा है? कुकड़ बढ़िया। और ये साथ में ना कुछ पोटैटो का कुछ है, पता नहीं क्या नाम था, क्या नाम था इसका, पोटैटो बाइट्स, क्या नाम था भैया इसका? पोटैटो सिग्नेचर डिश। पोटैटो सिग्नेचर डिश, ओके। ये है पोटैटो टिक्की। तो यहाँ पे ना आके बार बार पूछते रहते हैं कि खाना कैसा है, कुछ कमी तो नहीं है, तो बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। और अभी तो बर्थडे है, तो स्पेशल इन्होंने दही के कबाब बनाया हमारे लिए, ऐसा इन्होंने कहा, बट मुझे लगता है सबके लिए बनाया होगा ऑब्वियसली। तो ये है दही का कबाब, इसे कहते हैं दही का कबाब, और ये है मशरूम का, मशरूम टिक्का। मशरूम मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है पर्सनली, बट दही का कबाब खाते हैं और देखते हैं कैसा है। सो ट्राइंग दही के कबाब। गुलशन ढाबे के बहुत बेस्ट थे। बारबेक्यू में आके ना बस खाते रहो खाते रहो खाते रहो, आपको 2 से 3 घंटे मिलते हैं और आप बस खाते ही रहो। तो अभी मेरी एक प्लेट ना ख़त्म हो चुकी है, और मेरा पेट भी यहाँ तक भर गया है, और मुझे मतलब ऐसा हो रहा है कि आगे मैं क्या खाऊंगी, और मैंने ना इसलिए एक ड्रिंक मंगवाई है। खाना नीचे उतारने के लिए मैंने मंगवाई है ये मसाला ड्रिंक, इसको बोलते हैं मसाला कोक, ताकि खाना नीचे उतर जाए और मैं आगे कुछ खा सकूं। ये सिर्फ स्नैक्स हैं अभी, और मेरा पेट इतना भर चुका है, तो शायद इस ड्रिंक से कुछ हो और मैं आगे का मेन्यू जो है देख लूं और खा लूं। तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ खा पाऊँगी, मेरा पेट बहुत भर गया, बहुत ज़्यादा ले देते हैं यार ये। तो हमें ये टेबल ना पसंद भी नहीं आए थे, वो हमारी टेबल चेंज हो रही है, अब हम दूसरी टेबल पर जाके घुसेंगे। इससे पहले हमारी टेबल चेंज हुई तो हमारे प्लेट में आ गया फिंगर चिप्स, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब जब भी मैं शादी में जाती हूँ ना, अगर मुझे फिंगर चिप्स ना मिले तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या बोरिंग शादी थी यार। आई लव फिंगर चिप्स, मुझे बहुत पसंद है। ये हमारी छल्ली आ गई, ये देखो कैसे ग्रिल करके देते हैं ये, मतलब यहाँ रख दो अपने आप ही भुनती रहेगी, और इसको ऐसे ऐसे करके आप पका सकते हो, ऐसे करते रहो इसको भी, जैसे अभी ये बिल्कुल भी पका हुआ नहीं है, तो आप इसे घुमाते रहो और ये अपने आप पक जाएगा।
तो गाइस यहाँ पे ना सेलिब्रेशंस होता है, देखो मतलब जिसका भी बर्थडे एनिवर्सरी होता है ना तो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। सो फाइनली हमारी टेबल चेंज हो गई है और हम साथ बैठ गए और मैं दिखाती हूँ कैसी टेबल अच्छी है। मतलब बाहर से बैठे वो ना थोड़ी कंजस्टेड हो गई थी, थोड़ी स्पेशियस है तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठने में, ऐसा लग रहा है कि हम बाहर भी खाए हैं। तो अभी दिखाती हूँ कैसी टेबल है। तो यहाँ ये आगे भी सीट है, बीच में ये ग्रिलर है और यहाँ हम लोग बैठे हैं। पहले हम लोग वहाँ सामने बैठे थे, एक और सामने बैठ सकते हैं, मतलब दो ही सीट थी। तो अब ये स्पेशियस हो गया है तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है ना, कैसा लगा है? बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो आज नेहा मैडम का जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा है, नेहा मैडम बताएंगे कि उन्हें कैसा फील हो रहा है। मज़ा आ रहा है अभी, मतलब यहाँ पे ना सेलिब्रेशन होता है तो अभी ये लोग केक भी काटते हैं, मतलब जो हमारा पैकेज रहता है उसी में ये केक प्रोवाइड करते हैं और फिर ऐसे गाना गाते हैं। अच्छा इंजॉय करो। नेहा मैम फर्स्ट बर्थडे, फर्स्ट नहीं वैसे तो बहुत साल की होगी, मैं शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे है, सो यस माई फर्स्ट बर्थडे। उनका पता है कि मैरिज जो मैरिनेशन का मसाला है ना वो यही है, चिकन की वही मैरिनेशन है, पनीर पे भी वही मैरिनेशन है। हेयर कम्स नूडल्स, तो अब हम नूडल्स खाएंगे बारबेक्यू के और इसका रिव्यू भी दूंगी साथ साथ। अच्छी है गाइस, ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। अब हम मेन मेन्यू की तरफ जा रहे हैं, मेन्यू में क्या क्या है सब हम आपको दिखाएंगे। बारबेक्यू का मेन्यू बताते जाना जो जो डालो। क्या डालना है? ये है गोभी मंचूरियन, नूडल्स, बिरयानी, स्टीम राइस, मेथी मलाई, मटर कढ़ाई, वेज। अभी क्या डालना है तेरे को? बिरयानी थोड़ी सी, एक चम्मच। ये कौन सी दाल है? मखनी। ये ही डाल लो मखनी दाल, बाउल लाऊं? बता दिए। रोटी बटर नान? रोटी या बटर नान? एक रोटी एक बटर नान। एक रोटी एक बटर नान। ये देखो गाइस कितना अच्छा इन्होंने सैलेड का जो प्लेस है कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, ये देखो है ना अच्छा। ये है, ये सारा नॉन वेज है, चिकन सूप, चिकन कढ़ाई, चिकन मलाई चिकन, क्या कर रहे हो भैया? तो ये सब नॉन वेज का है, ठीक है। अब हम दिखाते हैं यहाँ पे ये डेजर्ट्स हैं, ये रेड वेलवेट पेस्ट्री, चॉकलेट पेस्ट्री, शाही टुकड़ा, मिक्स फ्रूट टार्ट, पपाया, वाटरमेलन, रबड़ी एंड व्हाट इज दिस, आई गेस इट इज़ अ चोकोलावा केक और मे बी आई डोंट नो मालावा, मुझे नहीं पता ये क्या है। तो ये पूरा एरिया जो है डेजर्ट्स का है और इनफैक्ट गुलाब जामुन और हलवा भी है। माई फेवरेट आइसक्रीम भी है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और वनीला आइसक्रीम। तो ये सारा डेजर्ट एरिया है, ये हमारा मेन मेन्यू, क्योंकि पेट भर चुका है इसलिए थोड़ा थोड़ा डाला है, बिरयानी डाली है, मखनी दाल, सैलड, रायता, पनीर और इनका ये नॉन वेज है जो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी। ये मेरा बर्थडे की गागा है ना, क्यूटू सा छोटू सा। तो ये था हमारा बारबेक्यू स्पेशल फूड ब्लॉग,
तो अगर आप फूड लवर हैं तो आप ज़रूर यहाँ आ सकते हो। और हाँ, अगर नॉन वेज वेज दोनों कपल मिक्स करना चाहते हो, मतलब किसी को नॉन वेज पसंद है किसी को वेज पसंद है, तो आप यहाँ आ सकते हो। और फूड लवर ज़रूर यहाँ आए और बार बार खाते रहो बस, यही है यहाँ पर। और शादी जैसा हिसाब है जिनको शादी में जाते हैं, शगुन दे के आते हैं और खाते रहते हैं, ऐसे ही है यहाँ पर भी। अपना 850 और का नॉन वेज है और 750 का वेज है, आओ और खाओ और जाओ वापस अपना, तो भाई शादी वाला हिसाब है यार, और क्या। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना, और आपको भी बारबेक्यू आए हो या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।